नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थेंथ फार्मिंग यानी कि थेंथ खेतीबाड़ी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ना बुआई की ट्रेंच एवं साधारण विधि, दोनों में से कौन बेस्ट है। उससे पहले किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की साधारण एवं ट्रेंच विधि के बारे में, दोनों में से अगर बुआई करें तो किस विधि से करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना है कि साधारण विधि क्या है एवं ट्रेंच विधि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं गन्ने की साधारण विधि क्या होती है। गन्ने की जो साधारण विधि है बुआई की, इसमें जो कूंड होते हैं यानी कि गन्ने बुआई की जो लाइनें होती हैं उनका जो अंतराल होता है वो एक समान होता है, यानी कि जो एक कूंड से दूसरे कूंड के बीच का जो गैप है वो 28 इंच, 30 इंच या 32 इंच। हमारे कुछ किसान भाई 28 इंच की दूरी रखते हैं, कुछ किसान भाई जो हैं वो 30 इंच की दूरी रखते हैं तथा कुछ किसान भाई 32 इंच की दूरी रखते हैं, लेकिन यह सभी में एक समान होती है। वहीं अगर बात करें ट्रेंच विधि की, तो इस विधि से बुआई जो की जाती है उसमें खेत तैयार करने के बाद ट्रेंच ओपनर से 1 फीट चौड़ी और लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी क्यारी बनती है। इसके बाद ये जो क्यारी बनती है, क्यारी बनाने के बाद दूसरी क्यारी के बीच की जो दूरी होती है वो 120 सेंटीमीटर होती है, यानी कि एक क्यारी से दूसरी क्यारी की जो दूरी होती है वो लगभग 4 फीट या 4.5 फीट के करीब होती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक क्यारी जो है उसमें 2 लाइनें गन्ने की बिछा दी जाती हैं, उसके बाद में बीच में लगभग 4 से 4.5 फुट का गैप दे दिया जाता है, उसके बाद फिर अगली क्यारी बनाई जाती है, उस क्यारी में जो है 2 लाइनें फिर से बिछा दी जाती हैं। यह होती है हमारी ट्रेंच विधि। अब हम जानते हैं कि ट्रेंच विधि के फायदे। इस विधि का सबसे पहला फ़ायदा यह होता है कि इसके बीच में जो वेड छुटता है 4 से 4.5 फीट का, उसमें आप सह फसल कर सकते हैं, यानी कि गन्ने के साथ साथ और भी फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। आप किन किन सह फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, यह हम आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे। इसके बाद दूसरा फायदा यह होता है कि इस विधि से गन्ने का जमाव अधिक होता है। तीसरा फायदा यह होता है कि इस विधि के द्वारा गन्ने का उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि इसके बीच में हवा एवं धूप अधिक तेज़ी से फैलते हैं। उसके पश्चात इसका जो अगला फायदा है वो ये है कि आप इसमें गुड़ाई निराई आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर आप अक्टूबर माह में गन्ना की बुआई करना चाहते हैं तो आप ट्रेंच विधि से ही करें, क्योंकि इस विधि से अगर आप गन्ने का उत्पादन करते हैं तो आप कम लागत लगाकर अधिक उत्पादन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही किसान भाइयों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।